इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है स्वर्गीय लाला राम किशन दास जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती चांदतारी जैन हौज खास की स्मृति में सपरिवार। एक एक धागे को जोड़ा, एक एक धागे को जोड़ा तो परिधान बन गया, एक एक धागे को जोड़ा तो परिधान बन गया, एक ईंट को जोड़ा, एक एक ईंट को जोड़ा तो मकान बन गया, एक एक धागे को जोड़ा तो परिधान बन गया, एक एक ईंट को जोड़ा तो मकान बन गया, और एक एक लोगों को जोड़ा तो समाज बन गया, एक एक लोगों को जोड़ा तो समाज बन गया, और एक एक लोगों की भावनाओं को जोड़ा तो आज विशाल जीवन बन गया। महानुभाव जैनागम में आचार्य रविशरण महाराज जब पद्म पुराण ग्रंथ की रचना कर रहे थे तो श्री पद्म पुराण ग्रंथ में उन्होंने एक बात बताई कि जो व्यक्ति घर में सोते सोते उठने के बाद यदि यह भावना ले कि मैं आज मंदिर के दिन दर्शन करूंगा तो उसको अनेक उपवासों का फल मिलना पड़ा। मात्र घर में बैठे बैठे सोचने मात्र से कि आज मैं मंदिर के दर्शन करूंगा, और कोई व्यक्ति मंदिर के लिए चल पड़े और कोई कारण से मंदिर ना भी पहुंच पाए, रास्ते में कोई काम आ जाए तो भी उसको मंदिर दर्शन की पुण्य मिल जाता है। कोई व्यक्ति गली तक आ जाए, कोई व्यक्ति शिखर तक आ जाए तो भी उसको मंदिर दर्शन का पुण्य मिलता है, और कोई व्यक्ति साक्षात में जब जयेंद्र भगवान के सामने खड़ा हो जाए तो उसके अनंत अनंत उपवासों का पुण्य उसको मिलने जाया करता है। इतनी जिन दर्शन की महिमा हुआ करती है, जयेंद्र भगवान के दर्शन की महिमा। आप विचार करिए कि आज यहाँ पर बच्चे का जन्म होता है तो 40 दिन बाद सबसे पहले भगवान के मंदिर ले जाते हैं। अभी तक कोई कहीं जाता था, कोई कहीं जाता था, कोई कहीं जाता था, लेकिन अब आने वाले समय में यहाँ के लोग बच्चे की शादी होगी तो सबसे पहला कार्ड। वैसे महाराज को भगवान कुछ नहीं चाहिए, महाराज कह रहे थे क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं चाहिए लेकिन आपको दूसरे सब कुछ चाहिए। महाराज को हम क्या ले सकते हैं, लेकिन ले कर सकते हैं सब कुछ। भाई बात यहाँ पर चलती है, बोले हम लोग जो है क्या दे सकते हैं, बोले कुछ नहीं, ले क्या सकते हैं, बोले सब कुछ। सबसे पहले शादी का कार्ड आएगा तो भगवान जी के चरणों में, महाराज जी के चरणों में, ओमरी महावीर नमः, ओमरी वाचन सिद्धांत सागर नमः, ओमरी वाचन सोवर सागर, जो भी आप करते हैं सबसे पहले कार्ड में नाम आए। कार्ड में नाम आने के बाद वहां पर मंदिर जी में अर्पित होगा, गुरु जी के चरणों में लगाया जाएगा। बच्चे का जन्म होगा तो सबसे पहले मंदिर जी लगाया जाएगा, क्यों, क्योंकि पता है कि जीवन में यदि शुरुआत कहीं से होती है तो एक जिन मंदिर से होती है। हम और आप कुछ करता नहीं इस सृष्टि में, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, कोई भी किसी का कोई करता नहीं है, हर जीव का अपना समय है। और मैं आपसे, मुझे आज याद पड़ता है कि राजा बाजार मंदिर में जब ये सब आए थे बातें चली तो मैंने उनसे एक बात कही थी कि आप तो भगवान की भक्ति करिए, आपके अंदर भक्ति होगी, आपकी भक्ति में शक्ति होगी, चमत्कार अपने आप दिखेगा, और वही आपकी भक्ति और शक्ति का चमत्कार है कि आज विश्वनाथ भगवान मंदिर जी की अपनी बेदी पर परमाश्रम में विराजमान होकर सभी को दर्शन दे रहे हैं। जीवन में मैं हमेशा एक बात कहता हूं, हर इंसान को यही सोचना चाहिए कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो मैं ना कर सकूं। आपको यदि जीवन में सफल होना है, आपको यदि अपने जीवन में सफलता को पाना है तो आप अपने डायरी में से असंभव शब्द को हटा दीजिए, इम्पॉसिबल शब्द को हटा दीजिए, और देखिए उसके बाद आपके जीवन के सारे कार्य संपन्न होंगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब मैं जो भी कार्य प्रारंभ करता हूँ कृष्ण वाले पार्श्वनाथ भगवान और गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज अर्पण करता हूँ, और उसके बाद कोई भी काम कर लूँ ऐसा कोई काम होता नहीं कि जो रुके, क्योंकि सब जब जहां पर भगवान की गुरु की आशीर्वाद आ जाता है वहां पर सारे के सारे काम संपन्न और संपादित हो जाते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि हमें श्रद्धालु होना चाहिए, अंतर सिर्फ इतना है कि हमें उन पे वचनों पर भावपूर्वक से श्रद्धालु होना चाहिए। ये तो कह दिया मैंने, कहा भाई कल जो है सुबह 6 बजे चलना है। कई लोग मेरे पास आते हैं, एक व्यक्ति रोज बिहार में आया करता था, एक दिन बिहार के बाद पहुंचना में नहीं आ पाया। मैंने उससे पूछा भाई कल आप बिहार में क्यों नहीं आए, बोले महाराज कल बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना था। मैंने बोला कोई बात नहीं,
थोड़ी दिनों में उसको बुलाया, मैंने पूछा आपका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है, आपका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है, उसने बड़े स्कूल का नाम लिया जो पूरा उस शहर का बड़ा स्कूल होगा। मैंने कहा मैंने बचपन से स्कूल पढ़ा नहीं है, बहुत सारे लोगों जाते हैं स्कूल में देखा है, लेकिन आपके बच्चे का स्कूल थोड़ा डिफरेंट है, बोले बस महाराज जी आपका आशीर्वाद। इतने में लोग बोले महाराज जी इसके बच्चे के स्कूल में क्या विशेषता है। अरे मैंने कहा भाई इनके बच्चे के स्कूल में विशेषता है कि वो संडे को भी खुलता है। बोले मतलब उस आदमी ने बहाना करने के लिए बोल दिया कि कल मैं बच्चे को स्कूल छोड़ने गया था और संडे का भूल गया हूं। क्या कर रहे हो? मुनियों के पास, गुरुओं के पास, भगवान के पास करे? नहीं महाराज जी नहीं आ पाया बात करता मैं, नहीं आ पाया बात करता मैं। एक बार मैं कहीं चल रहा था साधु संतों का समागम, बोले आहार देंगे, ठीक है कोई आहार देने आता है तो जैसा सभी त्याग कराते हैं कराते हैं, तो उन्होंने महाराज जी ने सारा किया कि भाई आलू प्याज रात्रि भोजन, वो कहता मेरा आज से आजीवन त्याग है। उनकी धर्मपत्नी बोली महाराज जी ये नहीं होगा, पहली बार आदमी आहार में आया है और बस भावों कुछ आ गया, बोले बस मुझे तो करने दो। फिर महाराज जी बोले भाई बड़ी सीक्रेट तो मांगो कुछ, बोले आज से आजीवन त्याग है। महाराज मन में सोचे पहली बार में ऐसा धर्मात्मा जी आ गया कि रात्रि भोजन त्याग, बड़ी सिगरेट त्याग, तम्बाकू त्याग, तमाम तमाम त्याग। बोले मंदिर जाते हो इशारा किया, बोले आज तक किया था कल से रोज जाऊंगा, आज तक नहीं जाता था कल से। अरे भाव है आदमी तो दर्शन करने, कई बार मैंने देखा कोई कभी इच्छा देखने आता है और इच्छा ले लेता है, कोई आदमी दर्शन करने आता है अपना सब कुछ भूल जाया करता है, बातें चलती नहीं। तो एक दिन हो गए, दो दिन हो गए, तीन दिन हो गए, बंदा बाद दर्शन करने मंदिर नहीं आया। तो पांचवें साल भी महाराज ने बुलवाया, बोले भाई सब क्या बात है, क्या स्वास्थ्य ठीक है, सब चीजें ठीक है। तो उसकी पत्नी साथ में, बोले मैंने उससे पहले कहा था मत तो नियम पालेंगे नहीं। अरे बोले महाराज जी मैं तो नियम का पक्का पालने वाला हूँ, आपका सच्चा भक्त हूँ और ये और त्यों। महाराज जी बोले आपकी मजा है, बोले महाराज जी आपको पता नहीं इन्होंने कल रात को गोलगप्पे खाए हैं। क्या कर रहा? गोलगप्पे खाए हैं तो आलू भी हो गया और अनाज भी हो गया, आलू भी हो गया और अनाज भी हो गया, तो क्या कहा? महाराज जी बोले भाई तू कैसा आदमी है? बोले महाराज जी देखिए आपको पूरी बात याद है? महाराज जी बोले याद। बोले आपने कहा था आलू, मैंने कहा त्याग, आपने कहा था रात के भोजन, मैंने कहा त्याग, आपने कहा था कि बड़ी सिगरेट, मैंने कहा त्याग, लेकिन मैंने आपसे एक बात कही थी। बोले क्या? मैंने आपसे नियम लिया था कि मैं सब कुछ त्याग करूंगा लेकिन बाहर त्योहार की छूट रखूंगा। गुरु बोलते महाराज जी बाहर की छूट दे दो, ये कर दो, ये कर दो। महाराज जी बोले भाई ना तो कल दशहरा था, ना आज दिवाली है, ना होली है। अरे बोले महाराज जी परसों सोमवार था, आज मंगलवार है और कल गुरुवार होगा। परसों सोमवार था, आज मंगलवार है, कल गुरुवार, परसों बुधवार होगा। तो मैंने तो आपसे बाहर त्योहार की छूट ले रखी, तो हर रोज बाहर है, हर रोज बाहर है, ऐसे कैसे कल्याण होगा? आप भजन करते हो, शुद्ध हृदय हो पल में हो जाता है कल्याण, और बबला भक्तों को नहीं मिल सकते हैं भगवान। हाथ में माला और दिल में काला, भला ऐसी माला से क्या होने वाला। अरे तो मैं आपको बता रहा, जब ऐसे कुछ नहीं होगा आप तो कहो महाराज जी मैं रुद्रा ही कर सकता हूँ बस, और ज्यादा मत करो। नहीं तो आज परिस्थिति ऐसी हो गई है कि हम लोग क्या करते हैं, कुछ जगह बोल नहीं पाता। और मैं तो हमेशा कहता हूं आज विचार भेजा है कि किसी को झूठ बोलकर प्रसन्न करने की अपेक्षा सच बोलकर एक बार नाराज कर दो, एक बार की नाराजगी होगी, लेकिन झूठ बोल बोलकर प्रसन्न करोगे, झूठ झूठ बोलकर प्रसन्न करोगे तो जीवन में पता नहीं कितनी नाराजगी पैदा। इस संसार का काल चक्र है, आज से 2018 के 19 के चतुर्मास के पहले तक बहुत सारे लोग हमें ठीक से जानते भी नहीं, और मैं खुद नहीं जानता था कि यहाँ पर रामा पार्क भी है और मोहन गार्डन भी है। यहाँ से हम नजर बड़े बार गए थे जब कोई कार्यक्रम हो रहा था, उस समय देखियो कई बार आने जाने लोगों को लगता है, लेकिन बाद में कुछ काल चक्र ऐसा लगा कि दिल्ली के बाद में जहां जहां गया हूँ, जिस जिस कॉलोनी में गया हूँ, मैं समझता हूँ आपके आपके लोग वहां वहां पहुंचे जरूर है, चाहे वो नवी सादरा हो, चाहे शिमला हो, चाहे पानीपत हो, चाहे रोहिणी हो, मतलब जहां जहां मेरा मिश्रण होगा। क्यों? हर आदमी का स्वार्थ, हमारा भी है, तो हर आदमी का अपना स्वार्थ है, लेकिन अंतर इतना है कि आपका स्वार्थ संसार की ओर जा रहा है और हमारा स्वार्थ संन्यास की ओर जा रहा है। स्वार्थ एक ऐसा चौराहा है जिस पर सब लोग खड़े हैं, लेकिन एक स्वार्थ से आदमी संसार की ओर घुस जाता है और एक स्वार्थ से आदमी संन्यास की ओर बढ़ जाया करता है। तो आपका भाव था या आपका स्वार्थ था या हमारा स्वार्थ था कि जिन मंदिर बने यहां संन्यास, अच्छा वाला स्वार्थ था, इसीलिए आगे मुझसे नहीं कहा मेरे बच्चे की शादी करा दो और आना ही मत, तो हमने तो बिना शादी के घर छोड़ दिया,
तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जीवन में क्या, तो भगवान की तो मैं आप सबके पुण्य भाव प्रबल थे और मैंने तो उसे पूजा भी याद पड़ता है जैसे गिरीश भाई को अनिल जी को रवि जी जो डायरी थी काली कलर की और मैंने पहन लिया, मैंने कहा भगवान जी का नाम लिखिए और लिखने के बाद आप चालू करिए, तो उस समय तो ये विकल्प था कि जगह कहाँ मिलेगी, व्यवस्था कैसे बनेगी, ये तो भगवान की ऐसी अवस्था है कि ये अपनी व्यवस्था खुद बना लेते हैं, आप करने वाले कुछ भी नहीं हो, उनकी रगत अवस्था ही उनकी सारी व्यवस्था अपने आप बना देती है। और ये जी मंदिर का प्रभाव है, आप सभी का पुण्य है और सबसे ज्यादा खुशी और प्रसन्नता की बात है कि जो नगरी डेयरी पार्षद जी मंदिर के निवासी है वह सब लोग आपके साथ में तन मन धन से लगे हुए हैं, लगातार सेवाओं में लगे हुए, क्यों, क्योंकि भगवान का उत्सव है, महोत्सव है और इसी तरह से हमेशा समाज में हिलमिल कर संघ साथ में रहकर इंसान को चलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि पारसनाथ भगवान और मुनीश्वरनाथ भगवान हमेशा सबको एक ही सीख देते हैं कि जो प्रसन्न है वह मेरे पास है और जो उदास है वह मुझसे दूर है, तो जो प्रसन्न रहेगा कौन, जो झगड़ा नहीं करेगा, जो लड़ाई नहीं करेगा, और जो झगड़ा करेगा लड़ाई करेगा वो पास में कैसे आएगा, प्रसन्न रह ही नहीं सकता। तो अपने जीवन में प्रसन्नतापूर्वक वातावरण को स्थापित करें, भगवान मुनीश्वरनाथ हम तो भगवान से यही कह रहे हैं कि भगवान आपको लगा कि आपका आसन है आप विराजमान हो गए, और जिस दिन आपको लगे कि आपका आसन बड़ा होना चाहिए आप भी कुछ सदबुद्धि दे देना, तो ऑटोमेटिकली सारी जगह भी अपने आप बड़ी हो जाएगी और सारा का सारा काम हो जाएगा, भगवान जी को हम लोग लगाते जा रहे हैं और हम तो यही कह रहे हैं भगवान जी आपके रहने का स्थान तो बन गया, अब आपकी भक्ति करने हम भी आएंगे, वैसा चमत्कार करो कि महाराजों के रहने का स्थान जल्दी जल्दी यहाँ बन जाए और सारा का सारा काम सबसे ज्यादा कार्य। मैं आपको बताऊं कि यदि महाराज जी लोगों से सबसे ज्यादा परेशान कौन होता है पता आपको, कौन हो सकता है भाई, मेरी आवाज आ रही है, मेरा आप लोग याद ही नहीं, महाराज जी लोगों से सबसे ज्यादा परेशान कौन होता है पता आपको, जो कमेटी के लोग हैं उनके घर वाले, ये बोले रात को 11 बजे फोन कि कल लोग बिहार कराने आना है, सुबह 7 बजे फोन कि हार कराने आना है, कोई बात नहीं परेशान तो आप दुनिया में जिंदगी भर रहोगे लेकिन महाराज जी के नाम से परेशान होगे तो भगवान के धर्म में लग जाओगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कमेटी के लोग जिनको रात को 10 बजे 11 बजे 6 बजे सुबह कभी भी सामान आ रहा है, कभी भी सीमेंट आ रही है, जिस आदमी ने खड़े होकर अपना मकान नहीं बनाया वो मंदिर की एक एक ईंट को लोड़ रहा है, क्यों, क्योंकि ये समाज की ईंट है, समाज का कर्तव्य है। तो सारी सबसे पहले तो मुखवाद कमेटी साधुवाद की आशीर्वाद की पात्र है कि जिन्होंने इतना सुंदर सा काम इतनी जल्दी और सरलता से किया। उन्होंने भी अपने जीवन का असीम पुण्य का बंध किया है, क्योंकि इस बड़ी प्रतिष्ठा महोत्सव में चाहे आपने एक लौंग ही क्यों ना दी, चाहे आपने क्यों सोने कलश क्यों ना दिया हो, लेकिन आप सभी ने जो ये काम किया है निश्चित रूप से वह आपके जीवन के पुण्यानुबंधी पुण्य को आपने बढ़ाया है, आपका जीवन पुण्यानुबंधी पुण्य बनता रहे, यही मंगल शुभकामना। इति अल्पम आचार्य मुनि सिद्धांत सागर जी महाराज।
की जय, आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय, आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य गुरुदेव बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से दिल्ली क्षेत्र में मुनिसुव्रत तीर्थ का भव्य निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जहां पर 24 तीर्थंकरों की 24 वेदियों का निर्माण होगा और प्रत्येक वेदी पर 24-24 भगवान की 7-7 इंच की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। एक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु सहयोग राशि मात्र 1,24,000 रुपए रखी गई है। आप अपने परिवार की ओर से प्रतिमा स्थापित कर धर्म लाभ ले सकते हैं। यहाँ के जिन चैताले में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक शांति धारा होती है, जो भी महानुभाव अपने या अपने परिवार की ओर से अभिषेक और शांति धारा करना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए संयोजकों से संपर्क कर अपना नाम आरक्षित कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है स्वर्गीय लाला रामकिशन दास जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती चांदतारी जैन, हौज खास की स्मृति में सपरिवार।